और लक्ष्य और सम्राट भाई मैं दोनों का फैन हूं और मैं चाहता हूं कि आप दोनों प्लीज मुझे थंबनेल भेजो, और मुझे आपका थंबनेल सम्राट बहुत अच्छा लगा तो मैं इसको डालूंगा। यार यही मैं कहना चाहूंगा कि पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा इमोशनल कोई लोग है वो हरियाणा के लोग है। अगर ये जोगिंदर ने ये करामात बंबई में की होती ना, लोगों ने इसको घास नहीं डाली होती, बट हरियाणा के जो लोग है वो नारियल जैसे है। मैं उनको नारियल जैसे इसीलिए कहना चाहूंगा क्योंकि बाहर से वो सख्त है, हरियाणा के लोग है नारियल जैसे है, बाहर से तो सख्त है लेकिन अंदर से वो मुलायम है। सही बात। तो इन्हीं बात का ये लोग फायदा उठाते हैं, जोगिंदर जैसे जो लोग हैं इन्हीं बात का फायदा उठाते हैं। और भाई मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि मैं आ रहा हूं वहां पे हरियाणा पे, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसको नंगा कर करके मैंने गिटोरनी से लेके फरीदाबाद तक इसको नहीं दौड़ाया ना भाई। मेरा नाम रिबॉक कलाल नहीं है, अभी तक लोग मुझे दीपक कलाल कहते थे लेकिन अभी लोग मुझे रिबॉक कलाल कहेंगे क्योंकि मैं भाई इसकी रिबॉक की पिटाई करूंगा। अच्छा दीपक भाई, जो तुम इसको बोल रहे हो, एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज जो है ना, ये थोड़ा माइक ठीक कर लो, माइक आवाज कट रही है ब्रो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप इसको बोल लेते ना कि हरियाणा में पत्थरों से गवर्नमेंट साफ करने वाले, बिग बॉस में वेस्टर्न टॉयलेट होते हैं। हाँ यार, मुझे देखो पहली बात तो ये है कि बिग बॉस में वो लोग उन लोगों को लेते हैं जिनको पता होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे होता है ये सब कुछ। अभी मैं मजाक नहीं कर रहा, होना चाहिए कि अगर आप रेस्टोरेंट क्या ऑर्डर करते हैं ना भाई, वो कहते हैं ना ये लोग रेस्टोरेंट में भी जाएंगे ना भाई, बटर ज्यादा डालियो, चाय पियेंगे ना चीनी जरा ज्यादा डालियो। भाई हम लोग ऐसे, हम कहते प्लीज नो शुगर नो बटर, यू नो, तो हम लोग जो होते हर एक चीज नो करते हैं। ये लोग जो ऐसे भाई डालियो, ये लोग कैसे पता है, चाय ये दूध चीनी ठोक के पैसे देंगे रोक के, ये ऐसे लोग हैं। तो ऐसे भुक्कड़ लोगों को बिग बॉस में जगह नहीं होती है, बिग बॉस में वेस्टर्न कमोड होते हैं, वहां पे ये लोग कैसे जाएंगे टॉयलेट। धारा भाई जोगिंदर जैसे लोग, ये तो बाजू में ही हक के आ जाएगा कमोड के बाजू में, तो इसको कुछ भी पता नहीं है। मैंने इसका घर देखा है, मैंने एक बार इसको वीडियो कॉल किया तो मुझे ऐसे लगा कि ये किसी अनाथ आश्रम में, भाई ये इसका अनाथ आश्रम नहीं था, वो उसका घर था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने एक बार हिंदुस्तानी भाऊ के माँ का भी मेरे इंस्टाग्राम में फोटो डाला था, हिंदुस्तानी भाऊ के माँ के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, सोचो। अरे भाई आज जोड़ रहे हैं आपके इतना खून। और ये हिंदुस्तानी भाऊ साइकिल की चेन को पीला ऑयल पेंट लगा लगा के यहाँ पे वीडियो बना रहा है। अच्छा दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, ये थारा भाई जोगिंदर ऐसे कहता है हमारे पास पैसे, यार जिनके पास पैसा होता है ना वो गड्डियों के ऊपर बड़े बड़े नाम नहीं लिखते, पूरे फैमिली के नाम लिखते हैं। थारा भाई जोगिंदर जैसे लोग गड्डी के ऊपर माँ का नाम, बाप का नाम, पड़ोसी का नाम, और जो पड़ोसी माँ के साथ रहा ना उसका भी नाम लिखेंगे ये लोग। भाई कैंसल हो जाएंगे हम, करा देना भाई हमको। भाई देखो मैं वहां पे आऊंगा और उसके बाद में मैं थारा भाई जोगिंदर से चुप्पे लगवाऊंगा सीपी में। तुम लोग ये बात तो मानते हैं कि मेरे नाम से भाई दिल्ली कापे, दिल्ली में मैंने अच्छे अच्छे लोगों की कुटाई की, ये बात तो तुम मानते हो भाई। सिस्टम पार देंगे, जॉन के बदले जॉन, गॉन के बदले गॉन देंगे। मैं दीपक दलाल यार, भाई मैं दीपक दलाल ये वादा करता हूं कि अभी तक मैं कलाल था लेकिन अभी मैं दलाली करूंगा, दलाली मतलब मैं मीडिएटर बनूंगा, और थारा भाई जोगिंदर ने जो लोगों के पैसे खाए हैं, लोगों का हराम का खा गया निकल गया, तो ये पैसे जो है वो दीपक कलाल निकलवा के देगा। देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं लक्ष्य भाई, मैं आपके वीडियो देखता हूं, आप बहुत इंटेलेक्चुअल है, आपका लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है, जिस तरह से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं खास करके हिंदी लैंग्वेज में, जिस तरह से आप समा बांध के रखते हो, मैं आपके आपके जो वीडियो है मैं बहुत गौर से देखता हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लंबे लंबे डायलॉग जो है वो बिना रुक के आप कंटिन्यूसली ऐसे बोलते हो, और आपके जो डायलॉग्स है उसमें सेंस होता है, मतलब हर एक बात में सेंस होता है, तो मैं आपको बहुत इंटेलेक्चुअल मानता हूं। लेकिन आपको पता है ये जो थारा भाई जोगिंदर जैसे जो लोग है इनको जरूरत है भाई डंडे की, समझे, इनको जरूरत है डंडे की। तो ये लोगों को जो है सीपी जैसे एरिया में रस्ते में खड़ा करके इनकी पिटाई होनी चाहिए। सही, हर एक ब्रांड भले वो रिबॉक हो, नाइकी हो, फिला हो, इसका सपना पूरा होना चाहिए। हाँ ये साला कपड़े पहनता है, आगे लिखा रहता है ये फिला, पीछे लिखा रहता है वैशाली टेलर। हाँ भाई इसके टी शर्ट पे है इतने बड़े बड़े लोगो होते हैं ना, वो जो रिबॉक का बराबर का जो चिन्ह है वो 2 किलोमीटर से दिखाई देगा, नाइकी का जो ऐसा टीक होता है ना वो 2 किलोमीटर तक दिखाई देगा, इतने बड़े बड़े ये लोगो लगाते हैं और पीछे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है वैशाली टेलर, छतरपुर फत्तरपुर ऐसे लिखा रहता है, ये इनकी औकात है। फैन फॉलोइंग कहां पे है इसकी थारा भाई जोगिंदर? हाँ। अरे इसको कौन फॉलो करते है? इसको फॉलो करते है वो पेंचर वाले, उसके बाद में टटियां साफ करने वाले, तो ये जो लोग होते हैं ये होते हैं फेसबुक में, ये फेसबुक में होते हैं,
इसीलिए इसको इंस्टाग्राम पे देखो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि इसके पास क्लास नहीं है, समझा? इसके पास क्लास नहीं है। ये लोग जब टॉयलेट जाते हैं ना फाइव स्टार होटल में गलती से, वहां पे टिश्यू पेपर होता है ना, ये उससे मुंह पोंछते हैं। इनकी ये औकात है, समझा? ये लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। अरे दीपक भाई, ये सेंट्रो खरीद लिया स्कैम करके। अरे तू मुझे एक बात बता, हाँ, ये बंदा जो है वो 1/2 करके मैगी खाने वाला आज बड़े बड़े शोरूम में जाके, वहां पे हल्दीराम में जाके समोसे खा रहा है 60-60 रुपए के, बताओ मुझे कैसे? 1/2 घर पे मैगी करके खाने वाला, ये अभी हल्दीराम के समोसे खा रहा है, इसका ही मतलब इसने कुछ ना कुछ किया है। या तो इसने क्वारंटाइन में 14 दिन लोगों के साथ क्वारंटीन होकर इसने छुपे लगाया है। आप मुझे बताओ इसके पास आई कहां से, थारा भाई जोगिंदर के पास कार कहां से आई है, किसकी है, और कौन ऐसा बंदा है जो कार देगा? ऐसे कर करके इसके बबले भी दब गए। हाँ भाई, उसके दब गए और वो बॉबी कटारिया के फूल गए। बॉबी कटारिया के फूल गए मम्मी भाई यार, कैंसर मत करा। बॉबी कटारिया की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कोई उसके मम्मी दबा रहा है। भाई थगेश को ऐड कर, सम्राट थगेश को ऐड कर। थगेश आ रहा है, थगेश में ले रहा हूं। ये बॉबी कटारिया को पहले पुलिस ने घर दबोचा। ये गलत है यार इस तरह से सोशल मीडिया पे। ये बॉबी कटारिया कहे मैं बहुत पैसे वाला हूँ, और इसके इंस्टाग्राम पे देखो तो एक भी लास वेगस का फोटो नहीं, एक भी न्यूयॉर्क का फोटो नहीं, सब मोरबी के फोटो है, मोरबी हिल्स के। अब आप मुझे बताओ, हाँ, ये लोग ऐसे है, पैसे दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे पास ये है, ये लोग इनके कार में बड़े बड़े स्टिकर लगाते हैं, बड़ा स्टिकर लगाएंगे, लिखेंगे जाट, लिखेंगे गुज्जर। तुम मुझे बताओ ये जो अंबानी है इसके गाड़ी पे क्या स्टिकर लगा है गुजराती? जाट के पूत बड़े मजबूत। ये सब क्या है यार, जाट के पूत बड़े मजबूत है कोई? अरे भाई अगर हम लोग कोई भी कास्ट के हो, ये सब मायने नहीं रखता है। अभी हम लोग जो है कोलोलोन तो है, हम लोग इटालियन है, तो मैं क्या ऐसे हर जगह पे लिखता हूँ यहाँ पे इटालियन इटालियन इटालियन? अच्छा भाई दीपक भाई, तुम थारा भाई जोगिंदर की छोड़ो, तुम्हें एलविश यादव कैसा लगता है? अरे एलविश यादव अच्छा है, स्मार्ट है, और मुझे उसके वीडियोस पसंद है जो वो स्कूल में बनाता है ना टीचर के साथ, जिसमें टीचर उसको कहती है, और ये बायोलॉजी का मैंने कोई वीडियो देखा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि एलविश यादव तुम अच्छे वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारी जो टीचर होती है वो एक पवित्र नारी होती है, तो उसके ऊपर तुम मत बनाओ। बस एलविश यादव को मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि टीचर जो परिभाषा होती है वो हमें पाठ पढ़ाती है, तो टीचर का उद्धार करो, इस तरह से टीचर के ऊपर डोरे डाल के वीडियो मत बनाओ। तो बस यही मैं एलविश यादव को कहना चाहूंगा। थगेश आपको स्मार्ट नहीं लगता? थगेश को देखा होगा भाई ने। हाँ थगेश के मैंने वीडियोस देखे हैं, थगेश स्मार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र से है क्या? बॉडी बॉडी बना के रखा है भाई। हाँ मैंने देखा एक वीडियो में, इसके एब्स भी है, उसने दिखाया उसके एब्स वगैरह है। एक सम्राट का बॉयफ्रेंड है वो, सिंगल भी। और भाई तो क्या करता है ये थगेश? थगेश सुबह तो यूट्यूब करता है, रात को पेट पालने के लिए गिगोलो जॉब्स। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात मुझे ऐसे बताओ, देखो एलविश यादव मैंने तुम्हारे कुछ वीडियोस देखे, तो तुम मुझे ऐसे लगा कि तुम एलविश यादव के बहुत करीब हो, तो क्या तुम एलविश यादव के बॉयफ्रेंड हो? ये लक्ष्य है भाई मेरा है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, ये लक्ष्य जो है इसको मैंने काफी पिकनिक पे भी, ये लोग साथ में जाते हैं, और इंस्टाग्राम में भी मैंने काफी इनके करीबी फोटो देखे हैं, तो ये एलविश यादव का क्या सीन है? एलविश मेरे काफी करीब है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये एलविश एक बार उसके साथ भी गया था ना, वो बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनका क्या नाम है, जो कपिल शर्मा शो में भी आए थे, हर्ष बेनीवाल। हाँ तो जो हर्ष बेनीवाल जो है, जिनकी मूवी रिलीज हुई करण जौहर के साथ एज अ कॉमेडियन, तो उनके साथ भी ये थे। तो पता नहीं अभी ये एलविश यादव का क्या सीन है, जहां पे भी पेंट झुका है, फलों से लदालत भरा पड़ा है, वहां हमारे एलविश यादव चले जाते हैं लटक लटक कर फल खाने के लिए। थारा भाई जोगिंदर पे आ जाओ भाई वापस। गलती हो गई भाई। अरे उसको ठीक कर दे वो थोड़ा। अरे थारा भाई जोगिंदर यार अभी तक वो नहीं करा यार मेरे को रिक्वेस्ट। अरे ये जो थारा भाई जोगिंदर है ना, ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगर इंग्लिश में कुछ बोल दिया तो इसको पता नहीं है ना, तो इसीलिए ये डरता है। मतलब ये जब मेरे साथ लाइव आया था ना, तो इसने मुझे पहले ही बता दिया कि पूरी तरह से हिंदी बोलना। समझा? इसने लाइव में आने के पहले हाथ जोड़ के मुझे कहा कि दीपक सर पूरी तरह से हिंदी बोलना। ये जो थारा भाई जोगिंदर है ना, इसको अगर कुछ पूछ लिया तुम लोगों ने इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा ना, बावला हो जाएगा, इसीलिए वो डरता है। फिर ये क्या करता है, इसको अगर इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो ये छाती पीटने लगता है।
यार तगेश नहीं आ रहा यार, बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, जोगिंदर आ रहा, जोगिंदर आ जा यार मेरे लाल। तगेश डर रहा है भाई, दीपक भाई से डर रहा है तगेश। आपसे डर गया। देखो तगेश एक अच्छा लड़का है, मैंने उसके वीडियोस देखे हैं, वो भी रोस्ट ही करता है। और लेकिन सम्राट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता है, मतलब सम्राट के जो वीडियो है, मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट बहुत बड़ा पॉलिटिशियन वगैरह ऐसे बनना चाहता है और बहुत बड़ा इंडिया में बदलाव लाना चाहता है, क्योंकि सम्राट के वीडियो में मुझे कॉमेडी कम नजर आती है और सीरियसनेस मुझे ज्यादा नजर आता है। सम्राट पैसे लेके वीडियो बनाता है। हाँ ऐसे लग रहा था, आज भी वो कुछ बोल रहा था किसी, वो ये कार्ड बनाओ, क्या वो कौन सा कार्ड है भाई? वो आयुष्मान कार्ड है, मोदी गवर्नमेंट की स्कीम है, वो 150 रुपए का बनता है इनके। अरे भाई मोदी ने अभी पेट्रोल का भाव 102 कर दिया, अभी तू उसकी स्कीम बताएगा तो लोग तो और बर्बाद हो जाएंगे। अरे भाई उसमें क्या रहता है, इलाज फ्री में हो जाता है, तो अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है या फिर आप बीमार हो तो फ्री में हो जाता है, हॉस्पिटल में लग जाता है। तो मैंने बोला तो इंश्योरेंस करा लो, नहीं तो फिर आयुष्मान कार्ड बना लो, वरना कल को अगर दिक्कत आएगी तो फिर तुम क्राउड फंडिंग करोगे, ये ऐसे लोग आएंगे बीच में मीडिएटर बनके और पैसा खाएंगे तुम्हारा। तो मेरा इंटेंशन वो, मैं तो ये कार्ड नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, तो मुझे तो आयुष्मान कार्ड यूजलेस है। मतलब अगर मैं ये कार्ड बनाऊंगा और अगर मेरा समझो मेरे लैम्बोर्गिनी में या मेरे फरारी में अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कैसे कवर होगा, क्योंकि मैं तो मेरा जो दर्द है वो लंडनर्स, पैरिशर्स, न्यूयॉर्कर्स और टोरंटोनियंस को बताऊंगा, इंडिया में मेरी कौन सुनेगा? तो भाई मेरे लिए तो आयुष्मान इतना यूजफुल नहीं है। या वी नो ब्रो, आपके लिए मैंने बोला भी नहीं है, आप तो पैसे वाले हो, जो आदमी फाइनेंशियली थोड़ा वीक है। भाई मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मैं डॉलर्स वाला हूँ। आप डॉलर्स वाले हो, आप रियाल वाले, दिनार वाले, पाउंड वाले, सब हो आप। ऑलराइट, आपको जितना कन्वर्सेशन करना है आप लक्ष्य चौधरी से करिए भाई, मैं इधर सुन रहा हूँ आराम से, ठीक है? और आप बताइयो भैया, मुझे सरनेम समझ में नहीं आ रहा, ये चुधरी क्या होता है, ये सरनेम क्या है ये चुधरी? दीपक भाई हरियाणवी बोल के तो दिखाओ यार। सिस्टम पार देंगे, जौन के बदले जौन, गौंड के बदले गौंड देंगे, गौंड में हाथ डाल देंगे, मुंह में मुंह देंगे, यार ये क्या है सब कुछ? अरे लाइफ में कुछ अच्छा करो यार, कमोड़ बनाओ, वहां पे जाके करो ना, मुंह में कर देंगे भाई, और अंदर हाथी डाल देंगे। एक बार वो चाय पीलो वाला कर दो भाई, वो एपिक था यार। चाय पियोगे, पापे खाओगे, सुबह सुबह बेंचो दो, तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बनाते हो, हा? अरे लाइफ में कुछ अच्छा करो, ऊपर वाले को जवाब देना है, लन्न लोगे बुन्न लोगे, दोगे तो सब लोगे, अरे कुछ अच्छा करो, मेरे जैसे वीडियो बनाए, मेरे जो वीडियो है वो समाज में जागृति फैलाते हैं, उन्नति लाते हैं, ऐसे कुछ वीडियो बनाओ, लाइफ में कुछ अच्छा करो, किसी दगड़दली माँ दे बची हो, किसी गश्ती माँ दे बची हो, किसी रंगीन आंटी दे बची हो, कुछ अच्छा करो, बुद्धि दो,